हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेशनल एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को आज हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बीएड एंट्रेंस टेस्ट में आपको हेल्प करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेलाइकन को प्रेस कर दो सो so दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इन विच ईयर वॉज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट तो कौन से ईयर में ये अप्रूव्ड हुई थी ये हुई थी आपकी 1986 में सो नाइनटीन एटी इज द करेक्ट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिगार्ड्स एजुकेशन एज अ यूनिक Uh, तो गवर्नमेंट uh, पॉलिसी में क्या बोला गया था कि एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए एक यूनिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए कंजम्पशन होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट so, होनी चाहिए नन ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एज़ पर द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन विल बी रिव्यूव एवरी टेन ईयर्स सी आपको रिव्यू आपकी जो नेशनल पॉलिसी होगी आफ्टर टेन ईयर्स हमेशा ये रिव्यू होने वाली है एक ये वाला आपका जो क्वेश्चन है एवरी टेन ईयर्स एट ईयर्स सिक्स ईयर्स फोर ईयर्स तो एवरी टेन ईयर इज़ दी राइट आंसर ये क्वेश्चन आपको याद रखना है ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू बी प्रोडक्टिव एंड सेल्फ़ रिलाइंट द एन पी ई नाइनटीन एटी सिक्स रिकमेंडेड फाइव सब्जेक्ट्स जो आपके फाइव uh, क्या उन्होंने क्या रिकमेंड किया था आपके फाइव सब्जेक्ट्स रिकमेंड किए थे साइंस सब्जेक्ट्स रिकमेंड किए थे वर्क एक्सपीरियंस रिकमेंड किया था या शोशल सर्विस होनी चाहिए सो so, उन्होंने ज़्यादा इम्फोसिस किस चीज़ पर दी थी वर्क एक्सपीरियंस पे दिया था कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है एक और चीज़ है आपको एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो आपको पता है जैसे आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है आपकी ये ट्वेंटी ट्वेंटी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको पता है यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं सो नेक्स्ट वीडियो में हम एजुकेशन uh, पॉलिसी जो 2020 है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो uh, जैसे उनके चेयरमैन कौन थे क्या उसने क्या रिकमेंडेशंस दी है ये सारी चीज़ें हम कल क्वेश्चन uh, के फॉर्म में एक बार रिवाइज uh, कर लेंगे सब कुछ ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो कौन सी एजुकेशन कमीशन ने आपका ब्लैक बोर्ड रिकमेंड किया था सो so, आपकी जो ये एजुकेशन पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 उसने आपको या हम बोल सकते हैं पी ओ ए नाइनटीन ने रिकमेंड किया था आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ओके एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पता है ठीक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया कुठारी कमीशन हो गया ये चीज़ें ये कमीशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है क्योंकि कुठारी कमीशन पे भी हम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दे दूंगी जिसमें आपको और कमीशन के बारे में क्या क्या, क्या रिकमेंडेशंस थी क्यों कुठारी कमीशन एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ होगा आपको सो so, आने वाले डेज में हम वो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज रिवाइज इन द ईयर तो कौन से ईयर में उसको रिवाइज़ किया था तो आपको पता है वो नाइनटीन में फिर से रिवाइज़ किया गया था इसको ठीक है नेक्स्ट है आपका सेंट्रल द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप इन विच ईयर जो मैं आपके साथ पी डी एफ़ शेयर करूँगी उसमें इसके बारे में भी अच्छे से दिया गया है तो आज आपको मैं सिर्फ इतना सा बताती हूँ कि जो ये है सो द करेक्ट आंसर इज़ नाइनटीन थर्टी फाइव ओके तो आपकी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपका ये कब सेटअप हुआ था हम इसको क्या भी, भी बोल सकते हैं सी ए बी ई तो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है तो आपको ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए ठीक है तो ये कब सेटअप हुआ था या आपका हुआ था नाइनटीन थर्टी फाइव में ओके नेक्स्ट इज योर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज स्कीम लॉन्च टू प्रमोट Uh, तो क्या क्यों लॉन्च की थी, थी और इससे क्या प्रमोट होता है सो so, इसमें जो आपका है बेसिक एजुकेशन इन रूरल एरियाज़ प्राइमरी एजुकेशन इन अर्बन एरियाज़ हायर एजुकेशन फ़ॉर गर्ल्स अंडर डेवलप्ड एरियाज़ नन ऑफ दीज सो आपका जो ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है इसमें आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो है आपकी सॉरी uh, इसमें आपकी बेसिक एजुकेशन रूरल एरियाज़ के लिए ये जो था वो लॉन्च किया गया था ठीक है नेक्स्ट है आपका द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको शॉर्ट फॉर्म्स पता होने चाहिए फुल फॉर्म मतलब आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाता है लेस स्पेशल एम्फोसिस ऑन तो किस चीज़ पे वो करता है प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट पे मिडल एजुकेशन डेवलपमेंट पे सेकेंडरी एजुकेशन डेवलपमेंट पे आप खुद देख सकते हो प्राइमरी नाम में लिखा है तो प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट पर ही वो फोकस करने वाला है नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स इन विच लैंग्वेज कैन द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस देयर ओन स्लेबाई तो किस लैंग्वेज में वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो फर्स्ट इज़ हिंदी पंजाबी इंग्लिश मदर टंग सो द राइट आंसर इज मदर टंग में वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट है द कुठारी कमीशन द इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है सेकेंड नेम आपको आपको पता होना चाहिए सेकेंड नेम्स जितने भी कमीशन हैं अगर उनके सेकेंड नेम हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है वॉज इस्टाब्लिश इन ईयर कौन से ईयर में वो इस्टेब्लिश हुआ था वो आपको पता होना चाहिए 1964 और इसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए बना बनाया गया था ये कमीशन जो था ओवरऑल एजुकेशन को देखते हुए हर एक एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन को देखते हुए ये कमीशन फॉर्म किया गया था नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द कुठारी कमीशन प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट तो कुठारी कमीशन फॉर्म कब हुआ था 1986 एटी हो गया था फिर उसने रिपोर्ट कब फॉर्म की थी तो उसकी फर्स्ट रिपोर्ट फॉर्म हुई थी 1966 में ओके okay. नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज देखो यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कौन सा था आपका मुदलेर था कुठारी था इंडियन था या नॉर्थ ईस्ट था तो आपका मुदलेयर जो कमीशन है उसको क्या बोला जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और कुठारी का भी अभी हमने पढ़ा है उसको क्या बोला जाता है इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है ओके okay? और जैसे आपका राधा कृष्ण जो uh, कमीशन है लास्ट वाले उसमें मैंने आपसे पूछा था कि यूनिवर्सिटी कमीशन को और क्या बोला जाता है तो आपने उसमें आंसर दिया था राधा कृष्ण जो कमीशन बोला जाता है कृष्णन कमीशन बोला जाता है नेक्स्ट इज हु द चेयरमैन ऑफ कुठारी कमीशन सो डी एस कुठारी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कुठारी कमीशन विच इज द इंटरगल पार्ट ऑफ एजुकेशन तो म्यूजिक आर्ट एंड क्राफ्ट एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस तो कुठारी कमीशन के हिसाब से भी जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का ठीक है

अगर मेरे पास वैसे टाइम नहीं है अगर मेरे पास टाइम होगा तो डेफ़िनेटली मैं भी वर्क करूँगी इस चीज़ पे कि मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकूँ इन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं बट आई एम नॉट हैविंग टाइम इसलिए आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बस मैं ट्राई कर सकती हूँ मैं इतना बोल सकती हूँ मैं ट्राई कर सकती हूँ सो so, इसमें आपसे पूछा गया है कि साइंस के बारे में कुठारी कमीशन ने क्या आपसे रिकमेंडेशंस दी थी तो इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कोर्स इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल कोर्स इन यूनिवर्सिटी सो बोथ बी एन सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द कुठारी कमीशन रिकमेंडेड एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑल ऑफ दिस मैंने आपको बोला है कुठारी कमीशन जो है वो एक कंप्लीट कमीशन है इंडियन कमीशन है कंप्लीट एजुकेशन कमीशन है इंडिया का ठीक है तो उसने हर एक एस्पेक्ट पे बात की थी तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासेस ऑन रिलीज रिलीजियस स्टडी इज फॉर दोज तो किस चीज़ के लिए हु बिलोंग टू मेजॉरिटीज हु बिलोंग टू मेजोरिटीज बोथ ए एंड वन एंड टू या ए एंड बी नन ऑफ दिज करेक्ट आंसर इज बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच यर वॉज द कमीशन सेटअप टू डिस्कस रिलीजियस एजुकेशन तो कौन से ईयर में ये सेटअप हुआ था ये हुआ था नाइनटीन फिफ्टी नाइन में ओके नाइनटीन फिफ्टी नाइन में आपका एक कमीशन सेटअप हुआ था जिसमें हमने रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बात की थी नेक्स्ट है एज पर द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स द थ्री लैंग्वेज फार्मूला फॉर पंजाब 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 के लिए पूछा गया है तो देखो आपका थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था आपका पहले होना था इंग्लिश हिंदी इज कम्पल्सरी ठीक है साथ में आपकी जो मदर टंग है वो होनी चाहिए थर्ड लैंग्वेज इज योर मदर टंग ठीक है सो इसके लिए क्या होगा पंजाब हिंदी एंड इंग्लिश इज द करेक्ट ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਰੋਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਦ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪਰਸਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਪੀਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਔਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਲ ਪਰਪਸ ਸੋ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੀ ਆਲ ਪਰਪਸ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रिप्रिएशन एंड टेलीकास्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ तो किस चीज़ की रिस्पांसिबिलिटी है वो किस एजेंसी की रिस्पांसिबिलिटी है वो यू जी सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो यू जी सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू गिव रूरल एरियाज द बेनिफिट ऑफ ट्रेंड एंड एजुकेटेड यूथ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है टू इंक्रीज़ दी अर्बन एंड रूरल डिस्पैरिटी टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस द अर्बन एंड रूरल डिस्पैरिटीज एंड नन ऑफ दिज सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है टू रिड्यूस होगा ठीक है टू रिड्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफ एजुकेशन 1986 नो स्टूडेंट शुड बी फेल्ड एट सेकेंडरी स्टेज मिडिल स्टेज प्राइमरी स्टेज ऑल ऑफ दिस स्टेज सो प्राइमरी स्टेज में ठीक है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के की बात की जा रही है तो इसमें जो आपका प्राइमरी स्टेज इसकी करेक्ट आंसर आज का लास्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स वॉज टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक्स टू स्कूल्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एजुकेशन यूनिफॉर्म सिलेबस इन ऑल हाई स्कूल्स ऑफ इंडिया टू एडवाइज़ द गवमेंट ऑन मैटर ऑफ एजुकेशन सो इसमें आपका आंसर रहने वाला है कि क्या वो बोलती हैं नैश मेन ऑब्जेक्टिव क्या था यूनिफॉर्म सिलेबस इन ऑल हाई स्कूल्स ऑफ इंडिया ठीक है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सिलेबस के टर्म्स में ये नहीं है कि बच्चा uh, कहीं कुछ पढ़ रहा है और कहीं कुछ और पढ़ रहा है सो uh, so, हमने ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड आपकी नेक्स्ट वीडियो में हमें एक नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड है एक उठारी कमीशन से रिलेटेड हम बहुत अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन uh, जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेंगे सो दैट ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नेशनल पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है और अगर मेरे पास टाइम होगा एंड इफ आई कोड डू मेक नोट्स फॉर यू फॉर कुठारी कमीशन या कुछ भी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन जो पूछी जाती है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो उस भी बना दूंगी सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच